श्रीधर जी, भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे विदर्भ में आपके कितने प्रत्याशी उतारे हैं? विदर्भ में हम लोग ने 3 प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। एक नागपुर से मैं खुद खड़ा हो रहा हूँ, रामटेक से अर्चना थाई उके खड़े हो रहे हैं, और भंडारा से हमारे कैंडिडेट है, अभी वो आज फाइनल हो जाएगा। तो विदर्भ में हम लोग 3 सीट से ऊपर से लड़ा रहे हैं, और हमारा गठबंधन राष्ट्रीय जन सद्भावना पार्टी और भीमसेना, ऐसा मिलकर हम लोग देश भरे में इलेक्शन लड़ा रहे हैं, और देश भरे में 325 कैंडिडेट हम लोग खड़े कर रहे हैं, जिसमें से विदर्भ में भीमसेना के 3 कैंडिडेट हम लोग खड़े हो रहे हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आप मैदान पे होंगे? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, और इस देश में जो रोजगार 2 करोड़ रोजगार मिलने वाले थे, वो रोजगार मिला नहीं, उल्टा 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। तो सबसे बड़ा पहला मुद्दा हमारा रोजगार का है। उसके बाद में हम लोग की जो लड़ाई है, वो लड़ाई कई सदियों से हमारी लड़ाई चल रही है, अंधविश्वास पाखंडवाद को हमें दूर करना है। इसके लिए हमने भीमसेना के माध्यम से इलेक्शन में खड़े होने का निर्णय लिया है। एनका ले, मैं अर्चना आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम अर्चना चंद्र कुमार उके है, मैं रामटेक लोकसभा की उम्मीदवार हूँ। भीमसेना और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी का गठबंधन हुआ है। मैं भीमसेना में राष्ट्रीय महिला संगठक हूँ, और मैं समाज के प्रति जो भी हमारा कर्तव्य है, मैं उसको ठीक तरीके से निभाना चाहती हूँ। समाज में फैली हुई अजागरूकता है, और जो भी यानी मुद्दे हैं जो सरकार पूरा नहीं कर पाई है, विद्यार्थियों के लिए बोलो या फिर स्त्रियों के लिए, सबसे मेन मुद्दा है स्त्रियों का। जो स्त्रियों घर से बाहर नहीं निकलती है, न कभी किसी ने कोई ठीक से कार्य नहीं किया है, मैं इसी मुद्दे को लेकर हमेशा लड़ी हूँ। और यहाँ ने मैंने बहुत सी जगह काम किया है, आंदोलन किए हैं, रक्तदान शिविर किए हैं, पानी के लिए आंदोलन किया है, और हक अन्याय अत्याचार के लिए लड़ी हूँ। बस इसी मुद्दे को लेकर मैं लड़ना चाहती हूँ।